छक्का मार देंगे किधर से। ये पांचवा हो गया अपना, छठा सर वो कर, छठा वो करेंगे सर अभी। खुश रहा वो कट हो आकाश ये हमर सुनिया ये पूरी के देखभाल कर रहे चलो रेडी डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। मैं अपना सीन का वेट कर रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर सर अभी वहाँ सीन समझा रहे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ। राम भाई क्या भाई आप? मैं अभी आया, लेकिन मॉनिटर कौन देखते हैं? मॉनिटर बेसिकली डायरेक्टर देखते हैं, बट एक्टर भी देखते हैं मॉनिटर कि मैंने कैसा काम किया। एक्टर कब देखते हैं? जब सीन होता है, सीन मेरा लगने वाला है, मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। डायरेक्टर मुझे परवीन सर आ गए, डायरेक्टर आइए सर, राम सर आ गए कवरेज करने के लिए। एक आकाश जी एक जय जी, दोनों बहुत हैंडसम है, दोनों बहुत फिट हैं। आई एम सो हैप्पी। आज हम लोग बात कर रहे हैं सुंदरी के सेट से, कि मूवी का नाम है सुंदरी, इसलिए सब लोग यहाँ पे सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और
जय के साथ मैंने एक पिक्चर पहले भी अभी हाल ही में की है और उस पिक्चर का नाम था जय थावे वाली माँ, वो कंप्लीट किया हम दोनों ने। 7 तारीख को रिलीज, 7 तारीख को हाँ रिलीज भी हो रही है नवरात्रि पे। हाँ बोलिए, महानवरात्रि पे हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है थावे वाली माँ बिफोर यू वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर पे शाम को 6:30। हाँ शाम को 6:30 बजे आप लोग देखना ना भूले, जरूर देखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छी पिक्चर है वो। अब हम आ जाते हैं सुंदरी के ऊपर, जिस पिक्चर के हम लोग सेट पे हैं और जो हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने आपने एक शब्द जो बोला सुंदरी, मैंने उसका बखान कर दिया है। तो पहली बात तो आपकी खूबसूरत जोड़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप और जय जी एक बार फिर स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो पहले हम आप दोनों की जोड़ी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले हम अपने बारे में बात कर लेते हैं। ये जो जोड़ी रिपीट हो रही है इसमें क्या कहना चाहेंगे, कितना आप फील हो एंजॉय कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत जो ऑन स्क्रीन होता है, ऑन स्क्रीन है, टेंशन ना लीजिए आप। देखिए, अगर ये सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मेरा कहना ये है, जय के साथ जब मैंने पहली पिक्चर की थी थावे वाली माँ, उसमें मतलब मुझे हम उससे पहले भी कई बार मिले हैं फंक्शंस में, मैचेस में, काफ़ी सारी जगह पे हाय हेलो हाय जय जी कैसे हैं बढ़िया है, शुभ जी कैसी हैं बढ़िया है, बस इतना मुझे पता था कि बहुत अच्छे इंसान हैं, डेट्स इट। बट जब इनके साथ मैंने काम किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि अच्छे इंसान के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इनका नेचर जितना खूबसूरत है, जितना अच्छा इनका नेचर है, उतनी ही अच्छी इनकी एक्टिंग है और इनका कोऑपरेशन है, और ये को स्टार बहुत ही हेल्पिंग है। इवन मेरे लिए नहीं, जो भी वहाँ पे नए भी एक्टर आते थे, कुछ लोग और भी थे, सबके लिए इनका जो कोऑपरेशन देखती थी मैं, सबको कोऑपरेट जो करते थे, मैं बोलती थी यार सीखो थोड़ा और सीखो। वैसे तो मैं अच्छी हुई, बट मुझे जय जी के साथ में काम करके, जय यादव जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और मतलब पता ही नहीं चला कब मूवी शुरू हुई कब ख़त्म हुई, और बहुत अच्छे से शूटिंग हुई। नो डाउट हमारी ऑन स्क्रीन जोड़ी की कई लोगों ने तारीफ़ की है, बहुत लोगों ने तारीफ़ की है। अब आप जय जी से पूछ सकते हो मेरे बारे में। जी शुभी जी के बारे में इंडस्ट्री में ये कहावत है कि हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसी एक्ट्रेस है जो बहुत सीधी साधी है, मतलब सब लोग अच्छे हैं बट एक होता ना कि बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सीधे साधे, सेट पे कोई नखड़ा नहीं, कोई ये नहीं, भोली भाली मासूम। हाँ तो वो तो मुझे पहले से ही पता था, बट सेट पे जाने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि ये इस तरह से हमारी बॉन्डिंग बन जाएगी और हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। और इन्होंने मेरे बारे में जो कुछ बोला, थैंक यू सो मच। सेम टू सेम वो खुद वैसी हैं, इसलिए उनको मैं वैसा लगता हूँ। और इनका भी कोऑपरेशन या इनका भी टीम के प्रति, प्रोड्यूसर के प्रति सब कुछ ध्यान रख के ये काम करती हैं, और कभी ऐसा नहीं होता कि इनको इनकी वजह से किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो और यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को हमारी उस फिल्म से जोड़ी अच्छी लगी तो हमको यहाँ रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक फिल्म देखने के बाद तुरंत रिपीट हो रहे हैं हम लोग। हाँ। देखिए जलन की बात नहीं है, जो जैसा है वो वैसा है, कोई भी एक्ट्रेस यहाँ पे गलत नहीं है, सारी एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी हैं। देखिए एक एक्ट्रेस और आ रही है हमारे बीच में, अभी नहीं आएंगी, अच्छा ठीक है। तो सारी एक्ट्रेसेस अच्छी हैं, हर किसी में कुछ न कुछ खूबियाँ हैं, सब में अलग अलग खूबियाँ, सब में अलग अलग, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो जिनके साथ मैंने काम किया, मेरे साथ तो सबका कोऑपरेशन रहा नो डाउट, और सबके साथ ऐसा नहीं कि मैंने किसी के साथ एक ही फिल्म किया, सबके साथ दो तीन पिक्चर और फिल्में हो रही हैं, लाइनअप है बहुत सारी पिक्चरें। हाँ। और जिनके साथ काम कर चुके उनके साथ भी। हाँ। और जो नए हैं उनके साथ भी। तो जय जी का ऐसा नहीं कि एक ही हीरोइन के साथ में बैक टू बैक पिक्चरें कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी हीरोइनों के साथ में, कभी अमरपाली जी, काजल जी, कभी मैं, रानी जी, कभी, तो सबके साथ में काम करते हैं वो। तो ये हीरो नो डाउट ये सबके लिए है, बोल सकती हूँ ना, जो भी जितनी भी हीरोइनें हैं उनको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे आर्टिस्ट नहीं कि किसी एक ही हीरोइन के साथ कंटिन्यू काम करे, ये चेंज कर करके सबके साथ में काम करे। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ बस, ठीक है। तो डायरेक्टर जिस हिसाब से मुझे, जिस करेक्टर में फिट समझते हैं, जिस एक्ट्रेस के साथ में फिट समझते हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ। वो मेरा चूज़ नहीं होता कि मुझे शुभी जी चाहिए या रानी जी चाहिए या अमरपाली जी चाहिए, काजल चाहिए या यामिनी जी चाहिए, मुझे वो मेरा ये नहीं होता। जय जी, थैंक गॉड, काश ऐसे ही सब हमारे जितने भी हीरो हैं, वैसे सब लोग ऐसे हैं, बट और ऐसे प्लीज़ बन जाएँ जैसे जय जी हैं, जो सबके साथ में काम करते हैं। और जो कुछ धारणा है अभी, क्योंकि जो हमारे एक्टर हैं उनकी ये है
धारणा, नई नई हीरोइनों को लेके आओ, कुछ नया लेके आओ लेके आओ। भाई जो उनके साथ में काम कर रहे हैं हम लोग पहले से, वो भी सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो ये धारणाएँ हटानी चाहिए, ये चीज़ गलत है। नए के साथ, हम लोग के साथ, बाकियों के साथ, जो और भी लोग हैं सबके साथ काम करना चाहिए, जो कहानी की डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ये सही बात है एकदम। अब बात करें सुमी जी, एक नए जो से लॉन्च हो रहे हैं आकाश। हाँ जी, आकाश यादव जी। आकाश जी बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत स्वीट है। जब मुझे ये चला था पता कि उनकी पहली पिक्चर है, तो कहीं ना कहीं ये था माइंड में, पहली पिक्चर है तो देखते हैं कितनी अच्छी मतलब कितना अच्छा एक्ट वो कर पाएंगे या क्या है क्या नहीं है। बट जब मैं उनसे पहली बार जब मिली थी, देखिए ये भी एक अचानक एक वही चीज़ है कि खावी वाली माँ के सेट पे वो आए थे, और वहाँ पे उन्होंने एक बात की, उन्होंने और सिस्टर है बहुत ही अच्छी पूनम जी, दोनों भाई बहन आए थे, और दोनों बहुत कंफ्यूज थे कि हम लोग को कितने साल हो गए थे आप लोग को मूवी, दो तीन साल से ट्रैक कर रहे थे वो लोग कि हम लोग पिक्चर बनाना है। और उसी टाइम उसी सेट के ऊपर, जबकि मैं इनके साथ फाइनल भी नहीं थी कि मैं पिक्चर कर रही हूँ या कौन करेगा क्या था, बट तभी मैंने इनको बोला था आप इस सेट पे आ गए ना, अब आपकी मूवी बन जाएगी। और फाइनली वैसा ही हुआ कि आकाश जी के साथ में हम तीनों लोग जब हम दोनों से आकाश जी वहाँ पे मिले थे, और हम तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और हमारे साथ एक बहुत प्यारी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस यामिनी जी भी काम कर रही हैं, तो हम चारों की जोड़ी इस पिक्चर में आप लोगों के सामने आएगी। तो ये चीज़ जहाँ मैं आकाश के लिए बात कर रही थी, आकाश पहली बार काम कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और हमको कहीं ऐसा नहीं हो रहा फिर कि रीटेक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नथिंग। वो बहुत अच्छे से अपनी एक्टिंग कर रहा है, इवन डांस आकाश का बहुत अच्छा है, वो फुल फॉर्म में एकदम झूम के ये ठुमका लगाया, वो ठुमका लगाया। एक सेकंड के लिए मैं इंटरप्ट करूंगा, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं टेक हो रहा है तो मैं ये भी डांस बहुत अच्छा करते हैं, इनकी तारीफ, आप उनकी तारीफ करते हैं। जाइए, नहीं तारीफ वाली बात नहीं, जो है ना एक्चुअली में सच्ची में, और ये इतनी कॉमेडियन है, हमको नहीं था पता, पहले आए थे सेट पे एकदम चुपचाप सीरियस, मुझे लगा बड़ा सीरियस टाइप का हीरो है ये तो, बट उसके बाद जो इनके एक दो दिन बाद जो इनके शेड खुलने शुरू हुए, ये कॉमेडी बहुत बहुत अच्छी करते हैं नो डाउट। और जो ये मतलब सेट पे तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सेट के ऑफ मतलब ऑफ सेट भी ये हम लोग को इतना हंसाते हैं, फुल ऑन फन, और उस टाइम भी हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। और जो इनकी बहुत खास बात है वो ये है कि इनका अपना जिम है, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम बॉडी फिट हाइट, तो इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, मेहनत किया, बहुत मेहनती इंसान है। एक्टिंग के साथ साथ खुद के ऊपर भी काम करना, और साथ में अपने को स्टारों को भी कॉपरेट करना, वर्कआउट कराना मॉर्निंग में उठा के, चलो चलो उठो उठो जिम जाना है, नहीं आपको ये नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज होती है, तो हमारा डाइट से लेके एक्टिंग तक का जो हम लोगों का डेली का जर्नी होता है बहुत अच्छा होता है, मज़ा आ रहा है, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और आगे बनेंगे, और मेरा बेस्ट ऑफ लक है आपके साथ में, और बहुत सारी विशेज़ हैं नो डाउट, वो इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करेंगे। और इस पिक्चर में मुझे कहीं से भी फील नहीं हो रहा कि आप पहली बार काम कर रहे हो। सबसे अच्छी बात यामिनी जी और मेरे लिए ये है कि जो हमारे ये आकाश जी हीरो हैं, पहली बार जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, डांस अच्छा है, तो ये हम लोग को टेंशन नहीं है कि यार वापस। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगी कि इस पिक्चर से यामिनी जी और मैं भी पहली बार दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और हम बहुत टाइम से कहीं ना कहीं माइंड में हम लोग जब भी मिलते थे तो बहुत अच्छे से मतलब मिलना बहनों की तरह एकदम, कैसी हो क्या हाल चाल है, बट कभी भी हम लोग काम साथ में नहीं कर पा रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता था, कभी उनके पास डेट नहीं है, कभी मेरे पास में डेट नहीं है। बट ये पिक्चर सुंदरी ऐसी है ना, जो दोनों सुंदर सुंदर हीरोइनों को खोज के सुंदरी पिक्चर में लेके आ गई, और अब हम दोनों काम कर रहे हैं, बहुत बहुत फन होने वाला है, बहुत इंजॉय है, और बहुत अच्छे से काम होगा, क्योंकि जब टीम अच्छी होती है ना तो नो डाउट काम बहुत अच्छा होता है। और अब आप पूछेंगे कि इस पिक्चर के प्रोड्यूसर कौन है, तो वो है महेश उपाध्याय जी, जिनकी मैं ऑल टाइम फेवरेट हूँ। महेश जी प्लीज़ आइए ना, ज्वाइन कीजिए ना। आइए ना, अच्छा एक मिनट के लिए आ जाइए। अब जब बुलाया तो भाई, हाँ देखिए ये है महेश जी, जिनकी मैं ऑल टाइम फेवरेट हूँ। अब यस बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बोल दिया है, तो बोलिए यस हाँ हाँ, तो ये सभी फेवरेट है वैसे। मैं वैसे तो अब आपका क्या बोलूँ, आप दोनों ने
मेरे लिए बहुत मेरे लिए ये है कि हमें दो मुझे सुंदरी की तलाश थी, दोनों सुंदरी मुझे मिल गए सुंदरी और फिल्म अब क्या बोले, अब बनने के बाद ही पता चलेगा कैसा है या नहीं है। बाकी आकाश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुभी जी, तो मुझे डर इस था कि एक इन तीन एक्टरों के बीच में, सीनियर एक्टरों के बीच में बेचारा नया लड़का कहीं फंस ना जाए, पर उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। और दोनों अभी यामिनी जी तो आज ही ज्वाइन किए, पर सुभी जी ने बहुत अच्छे से आकाश को संभाला है और बहुत अच्छा सीन निकल। मैं कल देख रहा था एक सीन, तीनों कंबाइन थे, जय जी, सुभी जी और वो, थोड़ा ट्रायंगल है वहाँ पे, पर उसका जो इनोसेंट डायलॉग था ना, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एकदम नेचुरल, नो कोई एक्टिंग, नो ओवर एक्टिंग, नथिंग, एकदम नेचुरल, वो मजा है। और आप दोनों ज्यादा नहीं, अब मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है, और राम भाई अब आप उठाइए, मेरा शूटिंग नहीं होगा तो अच्छा, मैं जा रही हूँ, आकाश तो भी यहाँ पे रह सकता है। प्रवीण जी पीछे के डायरेक्टर हैं, प्रवीण जी भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ भी मैं पहली बार, मतलब इस टीम में कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत अंदर से खुशी मिल रही है कि आई एम सो लकी कि मैं उन लोगों के साथ में काम कर रही हूँ जो मेरे चहेते हैं, उनमें से कुछ तो, जिसकी यामिनी हुई और अब आकाश भी हो गया, क्योंकि आकाश को मैं उतना पहले से नहीं जानती थी। और प्रवीण जी जो है वो यहाँ पर आने के बाद मेरे चहेते बन चुके हैं अभी, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है, डायरेक्टर है और बहुत अच्छे से टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। और माही जी कैमरामैन है, माही जी का कोई जोड़ नहीं है, वो हीरोइनों को इतना खूबसूरत दिखाते हैं, हर फ्रेम उनका बहुत अच्छा होता है, और नो डाउट उनकी जितनी तारीफ करें उनका भी कम है। और मास्टर जी सुदामा जी, तो मास्टर जी हम लोग को बुला रहे हैं बार बार में, तो मैं अभी जा रही हूँ। अब मैं चाहूँगी आकाश आपको बोले, मास्टर जी भी बहुत अच्छे हैं और मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी है। और अब मैं आकाश चाहूँगी, क्योंकि देखो हमारा शॉट लग रहा है और तुम हो और अब तुम और पूरा संभालने का बंदा एकदम बिंदास है वो, और मैं चाहूंगी उनके साथ प्लीज उनकी बहन पूनम प्लीज आ पाइए, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मैं आती हूँ। जी आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म में जो है आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा रोल मिल रहा है, देखिए मेरी पहली फिल्म है और मैं अगर फिल्म में मेरा पहला दिन था तो मेरा गाने का शूट था, तो मैं जब मैं आया तो मैं बहुत थोड़ा होता है ना कि क्या कैसे क्या होगा, लेकिन जी आकाश जी ये जो फिल्म के साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एक्साइटेड तो बहुत हूँ, और मेरी पहली फिल्म है और मैं जब पहले दिन आया तो मेरा गाने का शूट था, और मैं थोड़ा सा होता है ना कि पहला दिन और कैमरा फेस करना सारी चीज़ें, बट ये है कि मेरे गाने का जितने शूट था और सुभी जी के साथ था तो उन्होंने बहुत संभाला, बहुत सपोर्ट दिया, और मुझे नहीं लगता ये मेरी किस्मत है कि इस तरीके से मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला है, और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और काम भी मुझे काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई, सिखाई भी, और बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर भी हैं, और इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और सपोर्ट भी करती हैं, सुंदरी है तो सुंदरी भी हैं, सुंदर भी हैं, तो सुंदर कौन है, सुभी जी या रामनी जी? देखिए है तो दोनों लोग, ऐसा नहीं है, बट मैं अभी पहले दिन मैंने शूट किया सुभी जी के साथ, तो उनका बाकी नेचर सब अच्छा है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं इसको अपना सौभाग्य मानूंगा कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई और मैं सीखा भी, और अभी सीखना तो बहुत कुछ है, पर ये है कि सब सही है। यामिनी जी का मैं अभी तो मैं आज इनसे पहले दिन मिला हूँ, बट ये है कि अच्छी है, ठीक है, ऐसा नहीं है, अच्छी है, और अभी जब काम करेंगे तो और अच्छा होगा सब कुछ। अभी आज मैं चलती हूँ और बहुत सही इंसान है कि बिना जाने आप मेरी तारीफ कीजिएगा भी नहीं, क्योंकि जानने के बाद आप इससे ज्यादा तारीफ करेंगे। तो किरदार को लेके क्या कहना चाहेंगे? किरदार को लेके मेरा जो है वो मैं अभी स्क्रिप्ट का तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ बता सकता, बट ये है कि किरदार मेरा जो भी है ठीक ही है। जी
देखिए फिल्मी सफ़र मेरा 2017 शुरू हुआ, तो मैं काफ़ी ऑडिशन वगैरह मैं देता था, तो मैं महेश भैया से मैं मिला, तो मैं इनसे मिलता था, बातें जो होती थी, तो भैया ने बोला कि ठीक है अगर कभी कुछ होगा तो हम लोग करेंगे, तो मैं ऑडिशन वगैरह मैं भैया को भेज अपना जो मतलब देता रहता था, भेजता रहता था वीडियोज़ वगैरह। तो एक दिन भैया के दिमाग में इनका एक प्रोजेक्ट था, तो ये करने के चक्कर में तो उन्होंने मुझे कहा कि आकाश एक है, चलो मैं लेके करता हूँ। तो बस, और एक चीज़ ये भी है कि जब तक आप कितना भी दौड़ लीजिए, अगर जब तक भाग में नहीं होगा तो उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो भाग में था तो अभी है। तो आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग तो यही है, अभी जो है कर रहा हूँ यही चीज़ करना है, और बाकी ऊपर वाले की मर्जी कैसे क्या। तो कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? सपोर्ट तो फुल मिल रहा है, सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि मैंने सोचा नहीं था, और सभी लोग अच्छे हैं अभी तक जितने भी लोग मिले हैं, सब लोग अच्छे हैं, और बाकी सारी चीज़ें तो अभी हो रही हैं धीरे धीरे। तो महेश जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँ वो शब्द ही नहीं है, वो मेरे लिए भगवान है, ठीक है, और भगवान के लिए कोई शब्द हम नहीं बोल सकते, ठीक है। नहीं नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं, देखिए भगवान होता है कि इंसान मानता है, ठीक है, भगवान मानता है कि है, लेकिन भगवान कोई देखता नहीं है, बट मैंने देखा है, वो महेश जी हैं मेरे लिए। फिल्म के डायरेक्टर प्रवीण जी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनसे पहले भी जो मिल चुका हूँ, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, और उनका नेचर भी अच्छा है, मुझे काफ़ी चीज़ें वो मतलब बताते रहते हैं, शूट से पहले भी मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि ये कैसे होगा, तो मुझे अलग से टाइम निकाल के सारी चीज़ें मुझे वो बताते रहते हैं, या काश ये नहीं, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी पहली फिल्म है, और सपोर्ट कीजिए, मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और बाकी तो मैं अपना काम जो है करता रहूँगा, और ऑडियंस ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि बिना ऑडियंस के तो कुछ नहीं हो सकता, ऑडियंस भी उनका भी सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। बबलू खान जी, बात करें सुंदरी की, आप सेट पर हैं, तो कितना आप सुंदरी के बारे में बता सकते हैं, शूटिंग कैसे चल रही है, मेकिंग कैसे चल रही है, कौन है सुंदरी? हाँ, ये राम सर, आपको तो मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि आप हर जगह पहुंच जाते हैं, और जितने दर्शक मेरे देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। मैं सुंदरी की क्या बात करूं, सुंदरी नाम ही ऐसा है कि बहुत खूबसूरत सा सुंदरी है, हालांकि सुंदरी क्या है ये आपको फिल्म में पता चलेगा, इसके अंदर जो सुंदरी है वो कौन है ये सस्पेंस है। हाँ, हालांकि मैं और बाकी चीज़ें बता सकता हूं, जैसे डायरेक्टर जो इसके हैं वो प्रवीण कुमार गुडरी जी हैं, उनके साथ मैंने बहुत सारी फिल्में किया है, जो मैं काउंटिंग अभी मुझे याद भी नहीं है, 12 15 20 फिल्में तक कर चुका हूं मैं उनके साथ। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं महेश उपाध्याय जी, अभी उनकी ये मुझे लगता है दूसरी तीसरी फिल्म है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके जो राइटर हैं वो सभा वर्मा जी हैं, जो बहुत सारी फिल्में लिखते हैं और ऐसे ही लिखते हुए आ रहे हैं, उनकी बहुत सारी फिल्में मैं कर चुका हूँ, कर भी रहा हूँ। इसके DOP की बात किया जाए तो माही जी हैं, जो साउथ से हैं, तो उनके साथ भी बहुत सारी फिल्में मैं कर चुका हूँ। अब बात करते हैं हम सुंदरी की, सुंदरी के अंदर हैं जय यादव जी हैं, आकाश यादव हैं, एक डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से, और यामिनी सिंह जी हैं, शुभी शर्मा जी हैं, बाकी मैं हूँ। तो इसी तरीके से स्टार कास्ट और डायरेक्टर टीम सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे हम लोकेशन की, हम सोनभद्र के एक खूबसूरत हवेली में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, जो सोनभद्र में है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, मैंने बहुत सुना था सोनभद्र के बारे में, हालांकि मैंने दुनिया के सब कोने में शूटिंग किया, यहाँ मैं अभी पहली बार शूटिंग करने आया हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में ये बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोकेशन बहुत अच्छे हैं, और बहुत नियर बाई सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। बनारस में कई शूटिंग कर चुका हूँ मैं, और अब सोनभद्र में पहली बार है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को यहाँ शूटिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत फ्री माइंडेड लोग हैं, कोई भीड़ नहीं होती है, कोई तकलीफ़ नहीं देता है, तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है कि हम लोग आए और यहाँ शूटिंग करें। और बाकी जो फिल्म सुंदरी है वो एक सस्पेंस हॉरर कॉमेडी है,
क्या कैसे क्या चीज़ कहाँ कहाँ कैसे क्या दिखाना है वो हम फिल्म जब आएगी तभी आप देख पाएंगे। हालांकि मेरा जो करेक्टर है उसके बारे में बात करूँगा तो थोड़ा डिफरेंट है। मुझे आपने बहुत सारी फिल्मों में देखे हो, मैं बहुत बोलता हूँ, चुलबुला रहता हूँ, हंसाता हूँ, कॉमेडी है, इसमें भी कॉमेडी है बट मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा अलग है। मैं मेरे कैरेक्टर की बात करूँगा तो एक हवेली है, उस हवेली में मैं नौकर का किरदार प्ले कर रहा हूँ। जिस हवेली मेरे मतलब एक अनाथ नहीं हूँ मैं बट मेरे माँ बाप भी नहीं है, बिकॉज ऑफ मेरा खानदान पुश्त दर पीढ़ी इस हवेली में काम करता आ रहा है, तो मैं भी एक नौकर की तरह काम कर रहा हूँ। इस हवेली का जो रहस्य है वो आपको फिल्म में ही देखने को मिलेगा और मुझे इस फिल्म में बोलना नहीं है। फिल्में कौन कौन सी आने वाली है, अभी 30 तारीख को आ रहा है मेरे रंग में रंगने वाली का ट्रेलर। एक फिल्म है साथ छूटे ना साथिया, गुंडों की आएगी बारात, और अमानत, उसके अलावा और कौन कौन सी फिल्में आने, देखो एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी फिल्में हैं। मेरे पोस्ट पे आप लोग देख सकते हैं, बबलू खान इंस्टाग्राम पे भी। फिल्म में जो करने वाला हूँ, सॉरी ससुरा बड़ा सतावेला ये फिल्म आ रही है, प्रेम गीत 2 आ रही है उसका 1 तारीख को, मुझे लगता है पूरा ऑल इंडिया रिलीज़ है प्रेम गीत 2, और चिंटू पांडे जी हैं उसके अंदर, और एक नेपाल की खूबसूरत अदा है उसके अदाकारा है उसके अंदर, सोनू खत्री जी उसके प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं, और बात किया जाए तो ऐसे बहुत और भी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। ससुरा बड़ा सतावेला वो भी चिंटू पांडे जी हैं, और उसके अंदर तो काजल यादव जी काजल राघवानी जी हैं, राजकुमार आर पांडे सर उसके डायरेक्टर हैं प्रोड्यूसर हैं। और फिल्मों की बात की जाए तो मेरी बहुत सारी फिल्में ऐसे आ रही हैं जो जल्दी आएगी, सारी चीज़ें आ ही रहा है अभी थोड़ा। हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बॉम्बे में था जब इस फिल्म की बात हो रही थी, तो मुझे कॉल बहुत सारे कॉल आ गए कि आप बॉम्बे आ रहे हो। जब मैंने पोस्ट किया कि मैं सोनभद्र में शूटिंग कर रहा हूँ तब मुझे बहुत सारे कॉल आने चालू हो गए। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो यूपी में आर्टिस्ट रहता है तो काफ़ी कंफर्ट जोन फील करते हैं कि हाँ चलो ये यहीं पे है तो शूटिंग कर सकते हैं। मैं बहुत सारी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, अभी ये सुंदरी कर रहा हूँ, इसके बाद एक और फिल्म यही करूँगा मैं, एक मैं खलीलाबाद शूटिंग करने जा रहा हूँ, एक लखनऊ में शूटिंग है, एक बनारस में शूटिंग है, तो इन सब के नाम मैं रिवील करूंगा बहुत जल्दी, और वहाँ पे आई होप कि राम सर ही आते हैं तो मैं उन्हीं के साथ रिवील करूंगा कि कौन उसके प्रोड्यूसर है, कौन उसके डायरेक्टर है, या कौन कौन हीरो हीरोइन क्या क्या है, सारी चीज़ें मैं रिवील करूंगी जब सेट पे आऊँगा उस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम जी, आप इतना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए, थैंक यू सो मच। भैया सुंदरी के सेट पे आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। सबसे पहले तो अपने भोजपुरी समाज को मैं दिल से प्रणाम करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से मैं अभी अच्छे अच्छे किरदारों में आप सबके सामने आने की पूरी प्रयास कर रहा हूं। तो सुंदरी में एक बड़ा अच्छा सा रोल है, उसको कॉमेडी प्लस निगेटिव, तो बहुत मज़ा आ रहा है करने में। और ये तो इसमें फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए, प्रोड्यूसर की बात की जाए जी, डायरेक्टर प्रवीण गुदरी जी हैं और उनके साथ मेरी ये 5वीं फिल्म है, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा जब मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ फिल्म किया था नागधारी, तो जब उनके साथ काम किया तो एक कमाल का अनुभव रहा। वो इतने शांत, इतने कूल और इतने सहज तरीके से एक आर्टिस्ट को बताते हैं, और जो आर्टिस्ट के मन में चल रहा है वो बड़े प्यार से उसको निकालवाने की पूरी कोशिश करते हैं, और बिंदास हम लोग काम करने में उनके साथ बड़ा मज़ा आता है। जय जी बहुत कमाल के एक्टर हैं और बड़े पुराने हमारे मित्र भी हैं, और उनके साथ भी ये मेरी 3री फिल्म है, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और आकाश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हीरो तो दोनों मेरे दोस्त हैं और आकाश जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जय जी तो करते ही हैं, और सुभी जी के साथ तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है, पहली फिल्मों में भी अभी रिलीज़ पे है फिल्म, और यामिनी जी तो कमाल की एक्ट्रेस है ही हैं वो भी, और उनके साथ भी कई फिल्में मैंने की हैं, तो बड़ा अच्छा रहा है और बड़ा अच्छा एक पारिवारिक माहौल है इस सुंदरी के सेट पर, और सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने का।
आपकी फिल्मों की बात की जाए तो कौन कौन फिल्में आने वाली हैं और कौन कौन फिल्म शूटिंग करने वाले हैं? एक फिल्म आज भी आपकी टीवी पे आ रही है जिसके लिए आपको बार बार फोन आ रहे हैं, आपको आपको बधाइयां दे रहे हैं। हाँ जी जी, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें काम किया है इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन एक परिवार के साथ फिल्म देखने का बड़ा अच्छा अवसर मिला है और भोजपुरी समाज के लिए मैं दिल से हमारे प्रोड्यूसर धीरेन्द्र झा जी और डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी, इन्होंने कमाल की जोड़ी बनाई है और कुणाल भाई ने बहुत कमाल का काम किया है और राइटर ओम जी ने बहुत बढ़िया अपने हाथों से उसको स्क्रिप्टिंग की है। तो हम लोगों ने जब प्ले किया तो एक लगा कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास की ही इर्द गिर्द हम गांव के अंदर और एक हमारी मिट्टी की खुशबू जो हम कह सकते हैं कि नदिया के पार में एक दौर में देखा था और उसके बाद शायद मुझे लगता है कि हम कहीं उसके आसपास अपने आप को पाएंगे इस फिल्म को देखेंगे। तो फिल्म का नाम तू दिया हम बाती, ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल थोड़ा रहा हूँ जी। अभी सतरंगी बालंग एकदम रिलीज पे है और आने वाली है, थावे वाली माता और कई फिल्में हैं, मैं भूल भी रहा हूँ अभी तो, लगातार अभी शूटिंगें चल रही हैं और आज रात में निकल भी रहा हूँ, प्रमोद प्रेमी जी की फिल्म है गोरखपुर, तो एक साथ ऐसे ही चल रहा है सब। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.